हेलो डियर स्टूडेंट्स इस वीडियो हम सॉल्व करेंगे क्लास सेवन चैप्टर इलेवन पैरिमीटर एंड एडिया एकज इलेवन पॉइंट थ्री का क्वेश्चन नंबर नाइथ देखिए आपको इसमें दे रखा है अ वायर ऑफ लेंथ फोर्टी फोर सेंटीमीटर वायर की लेंथ क्या है फोर्टी फोर सेंटीमीटर मैंने ये वायर बना दिया इसका लेंथ है फोर्टी फोर सेंटीमीटर इसको बेंट किया जाता है किस शेप में सर्कल के शेप में इसी वायर को तो फोर्टी फोर क्या रहेगा आप सरकमफेरेंस रहेगा क्योंकि यही वायर बेंट हुई है ठीक है तो ये क्या हो गया सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल आपको रेडियस फाइंड करना है एंड उसके बाद क्या फाइंड करना है इसका एरिया फाइंड करना है अगेन अगर सेम वायर को बेंट करके किस शेप में बना दिया जाता है स्क्वायर में बना दिया सेम वायर को तो अब इसका अगेन सर्कम फ्रेंस में, में हम क्या बोलेंगे पैरामीटर तो पैरामीटर कितना रहेगा के केस में इसका आपको साइड फाइंड आउट करनी है इसका आपको एरिया फाइंड करना है फिर बताना है कि दोनों में से किसका एरिया ज्यादा है सर्कल का एरिया ज्यादा है कि स्क्वेयर का एरिया ज्यादा है क्यों पैरामीटर तो सेम है दोनों का एंड दैट इज फोर्टी फोर सेंटीमीटर ओके सॉल्व कर लेते हैं इसको अब आपको देखिए सॉल्यूशन सर्कम फ्रेंस ऑफ सर्कल कितना हो जाएगा सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल कितनी हो जाएगी सी आई आर सी यू एम एफ ई आर ई एन सी ई सर्कम फ्रेंस ऑफ सर्कल कितनी है इज टू में लेंथ ऑफ वायर एल ई एन जी टी एच लेंथ ऑफ वायर एंड लेंथ ऑफ वायर कितनी है फोर्टी फोर सेंटीमीटर ठीक है

टू से ट्वेंटी टू टाइम्स ट्वेंटी टू से वन टाइम्स ये आ गया आपके पास सेवन सेंटीमीटर रेडियस ऑफ सर्कल कितना है सेवन सेंटीमीटर नाउ, एरिया ऑफ सर्कल फाइंड करना है आपको एरिया ऑफ सर्कल एंड एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू ट्वेंटी टू बाई सेवन आर कितना फाइंड किया है हमने सेवन एंड सेवन ठीक है आर सेवन है तो सेवन स्क्वायर था तो टू टाइम्स हो जाएगा कैंसिल आउट कर लेते हैं सेवन वनजा सेवन वनजा कितना हो गया ट्वेंटी टू इंटू सेवनिटर में डिनोमिनेटर में तो केवल वन बचा और ये कितना हो गया आपका इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो सेवन टू जो फोर्टीन सेवन टू जो फोर्टीन एंड फिफ्टीन वन फिफ्टी फोर सेंटीमीटर स्क्वायर सेंटीमीटर क्यों क्योंकि सेंटीमीटर में ही दे देखा ना आपको एरिया कितना हो गया आपका सर्कल का एरिया ऑफ सर्कल देयरफॉर एरिया ऑफ सर्कल इज 154 सेंटीमीटर स्क्वायर ये हो गया हमारे पास हाफ पार्ट हाफ पार्ट कैसे देखिए आपको क्या फाइंड करना था रेडियस ऑफ सर्कल फाइंड करना था एंड एरिया ऑफ सर्कल उसके बाद सेम वायर को बेंड करके किस शेप में बनाया है स्क्वायर में ठीक है कौन से शेप में बना दिया है स्क्वायर शेप में तो अब सॉल्यूशन जब इसका स्टार्ट करेंगे सेकेंड पार्ट का इसी में तो आपको सेकेंड पार्ट वगैरह लिखने का जरूरत नहीं है लेकिन समझने के लिए पैरीमीटर पी ई आर आई एम ई टी ई आर नाउ जो पैरीमीटर ऑफ किसका स्क्वायर है वो किसके इक्वल है दे रखा है आपको द सेम वायर इज बेंट इन टू द शेप ऑफ स्क्वायर तो वायर के बराबर है इज इक्वल टू लेंथ ऑफ वायर लेंथ ऑफ वायर एंड लेंथ ऑफ वायर कितनी गिवन है दिस इज़ 44 सेंटीमीटर पैरामीटर स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है 4 इन साइड तो साइड कितनी आ जाएगी साइड विल बी 44 फोर डिवाइड बाई फोर कैंसिल आउट कर लीजिए इट विल बी कम एलेवन सेंटीमीटर कितना हो गया एलेवन सेंटीमीटर एरिया ऑफ स्क्र एरिया ऑफ एस क्यू यू ए आर ई एरिया ऑफ स्क्र का फार्मूला क्या होता है फोर एरिया आप बोल सकते हो साइड इंटू साइड एंड दिस इज इलेवन इंटू इलेवन मल्टीप्लाई करके देखिए कितना आता है इट विल्वेंटी सेंटीमीटर स्कूल कितना वन ट्वेंटी वन सेंटीमीटर स्क्वेयर देखिए एरिया ऑफ सर्कल वन फिफ्टी फोर एरिया ऑफ स्क्वेयर वन ट्वेंटी वन आपको क्वेश्चन में क्या बताना है विच फिगर एनक्लोज मोर एरिया किसका कौन सी फिगर का एरिया ज़्यादा है इसलिए बताना है आपको देयर फोर ऑन कंपेयरिंग ऑन कंपेयरिंग वी कैन कंक्लूड वी कैन सी ओ एन सी एल यू डी ई वी कैन कंक्लूड दैट एरिया ऑफ सर्कल एरिया ऑफ सर्कल इज मोर देन द मोर देन द एरिया ऑफ दे एरिया ऑफ एरिया ऑफ स्क्वेयर तो हम ये बता सकते हैं जो एरिया ऑफ सर्कल है वह ज्यादा है एरिया ऑफ स्क्वेयर से दोनों हमने कैसे निकाला है वो आप चेक करके एक बार और देख सकते हैं ठीक है पहले रेडियस फिर एरिया ऑफ सर्कल से पैरामीटर ऑफ स्क्वेयर था तो इसका साइड एंड देन एरिया ऑफ स्क्वेयर ओके थैंक यू